और अब एक और अहम खबर आपको बता दें, मुस्लिमों के धार्मिक स्थल पिरानकलियर पर उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने सवाल उठाए हैं। मजार प्रबंधकों पर कई तरह के आरोप भी लगाए हैं। वहाँ देह व्यापार का धंधा हो रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी हो रही है। माफी मांगे वरना हम कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई करें। नीचे से ऊपर तक झाड़ू भी चलेगी और बुलडोजर भी चलेगा। क्या पिरानकलियर दरगाह अपराधियों का पनाहगाह बन गया है? क्या नशाखोरी और मानव तस्करी का अड्डा बन गया है आस्था का केंद्र? उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स के लगाए आरोपों के बाद पिरानकलियर दरगाह सवालों से घिर गया है। कि जहाँ से लोग मांगने आते हैं आज वो गंदगी का अड्डा बन गया है। आज वहाँ मेरी कई पुलिस अधिकारियों से, LIU के साथियों से बात हुई तो कह रहे हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सबसे बड़ा केंद्र आज की डेट में वो बना है। आज की डेट में पिरानकलियर ड्रग्स का बड़ा केंद्र बन चुका है। पिरानकलियर आज की डेट में वैश्यावृत्ति का अड्डा बन चुका है। शादाब शम्स ने उस दरगाह पर सवाल खड़ा किया है जिससे करोड़ों हिंदुस्तानियों की आस्था जुड़ी हुई है। उस आस्था की गवाह है ये तस्वीरें। क्या राजा क्या रंग, मजार पर मत्था टेकने हर कोई जाता है। पिरानकलियर दरगाह में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी जायरीन पहुंचते हैं। शादाब शम्स के बयान से हड़कंप मच गया है। इनकी सबकी सफाई करेंगे, एक भी गलत आदमी को हम पिरानकलियर में रुकने नहीं देंगे। पूरी तरह से नीचे से ऊपर तक झाड़ू भी चलेगी और बुलडोजर भी चलेगा। पिरान के प्रबंधकों के ऊपर शम्स ने आरोपों की बौछार कर दी, लेकिन ये नहीं बताया कि वो कौन लोग हैं जो आस्था के केंद्र पर गलत कारोबार कर रहे हैं। बयान पर सियासत भी शुरू हो गई है। AIMIM के अध्यक्ष ने उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन पर हमला बोला है। वो जो बयान है उनका वो बचकाना बयान है, उस बयान में कहीं से कहीं तक कोई सच्चाई नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News आपको रखे आगे।